हाँ जी फूडीज तो आपको खिलाते हैं भिवानी के निंजा हलवाई का फेमस गाजर पाक, मजा आ जाएगा आपको खा के। यहाँ पर देखो गाजर बढ़िया लाल और यहाँ से गाजर का चोटी, इस बड़े से परात से गाजर और दूध मिक्स होकर बढ़िया गर्म होकर निकलता है। उस कढ़ाई से निकलने के बाद यहाँ पर हो रहा है टाइट और उसके बाद जाएगा घी में। ये देखो नया परात आता हुआ काफी कढ़ाइयों में घूमने के बाद ये गाजर पाक लाल होने के बाद आ चुका है सर्व होने के लिए। पहले टेस्ट करते हैं फिर इसके बारे में और बताते हैं आपको। काफ़ी पुरानी शॉप है ये हल्लू बाजार भिवानी में। मैं आया है कि जो ये निरंजन लाल शर्मा की जो गाजर पाक है ना काफ़ी फेमस है, मैंने सोचा चलो कुछ मीठा भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं एकदम लाल लाल गाजर पाक है, थोड़ा मैं खा चुका हूँ, मुझे रुका नहीं जा रहा था और इस वक्त मैं भिवानी में हल्लू बाजार पर और ये मस्त वाला गाजर पाक खा रहा हूँ। सर्दियों में गाजर पाक मिल जाए तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है खाकर। और यहाँ का गाजर पाक तो भाई हटके ही है, शक्ल भी हटके है स्वाद भी हटके है, मज़ा आ गया खाके। काफ़ी कढ़ाइयों से निकल कर आता है और मस्त वाला गाजर पाक बनता है, हमारे तक पहुँचता है देसी घी में बना हुआ है। एड्रेस मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, जब भी भिवानी आए तो यहाँ जरूर आना। भैया हमारा आधा किलो वाला डब्बा, ये रहा आपका, अरे ये रहा निंजा हलवाई, मतलब निंजा टेक्निक से बनता है यहाँ पे गाजर पाक। चलो फूडीज चलते हैं।